हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेस्टिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंस के न्यू गियर के बारे में, ब्रॉक लेसनर की मेगा अपडेट के बारे में एंड आज के रॉ के बड़ी अपडेट के बारे में भी। तो दोस्तों, आज के रॉ से कौन सी बड़ी अपडेट आई है, प्लस क्या ब्रॉक लेसनर चले जाने वाले हैं WWE से AEW में, और क्या द बिग डॉग रोमन रेंस का गियर होने वाला है चेंज बहुत जल्द, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेस्लिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकेंगे। दोस्तों, आज के रॉ में एक नंबर वन कंटेंडरशिप की मैच थी जो डिसाइड करने वाली थी कि कौन होगा नंबर वन कंटेंडर फॉर WWE चैंपियनशिप एट क्लैश ऑफ चैंपियंस अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर। और उस मैच के कंटेंडर थे कीथ ली, रैंडी ऑर्टन एंड सेथ रॉलिंस। इस मैच में स्पॉट अर्न करने के लिए सेथ रॉलिंस को हराना पड़ा डोमिनिक को। दोस्तों, ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई। इस मैच में कीथ ली का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त था। कीथ ली को स्ट्रॉन्ग दिखाया गया इस मैच में बाय बोथ सेथ रॉलिंस एंड रैंडी ऑर्टन। बट इन द एंड सेथ रॉलिंस जो है वो स्पिरिट बॉम्ब खाते हैं कीथ ली के हाथ से, और फिर उसके बाद कीथ ली को पड़ती है एक ज़बरदस्त RKO, और फिर रैंडी ऑर्टन पिन करते हैं सेथ रॉलिंस को फॉर द विन। और ऐसे कीथ ली स्ट्रॉन्ग दिखाए जाते हैं क्योंकि वो पिन नहीं होते। तो दोस्तों, रैंडी ऑर्टन बन चुके हैं नंबर वन कंटेंडर फॉर WWE चैंपियनशिप एट क्लैश ऑफ चैंपियंस अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या क्लैश ऑफ चैंपियंस में रैंडी ऑर्टन जीतते हैं WWE चैंपियनशिप या फिर नहीं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से। ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस, ये दोनों मेन पिलर्स हैं WWE के। अब उनमें से एक पिलर आ चुका है जो है द बिग डॉग रोमन रेंस, और उन्होंने आते ही तबाही मचा दी है और वो बन चुके हैं यूनिवर्सल चैंपियन। बट सभी वेट कर रहे हैं दूसरे पिलर के लिए, और वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के। पर दोस्तों, ब्रॉक लेसनर के बारे में इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं आई है। फर्स्ट अपडेट रिगार्डिंग ब्रॉक लेसनर तो ये है कि अगर कोई WWE के ऑफिशियल शॉप में सर्च करता है ब्रॉक लेसनर के नाम से मर्चेंडाइज, तो वहां पर लिख कर आता है कि जीरो रिजल्ट्स। इसका मतलब यह है दोस्तों कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के मर्चेंडाइज जो है वो वहां से निकाल दिए गए हैं, दैट इज फ्रॉम द WWE शॉप। और दोस्तों, हमें यह भी अपडेट मिली है कि ब्रॉक लेसनर की जो डील है विद WWE वो हो चुकी है एक्सपायर्ड, एंड WWE एंड ब्रॉक लेसनर एक न्यू डील के बारे में बात कर रहे हैं। बट स्टिल, अब तक कोई भी डील फिक्स नहीं हुई है बिटवीन द टू साइड्स। तो दोस्तों, इट मींस दैट ब्रॉक लेसनर इज नाउ अ फ्री एजेंट। वो UFC में जा सकते हैं या WWE में फिर से आ सकते हैं, या फिर वो जा सकते हैं AEW में। और दोस्तों, और एक अपडेट आई है जो है रिगार्डिंग ब्रॉक लेसनर, वो ये है कि ब्रॉक लेसनर एक फ्री एजेंट है, वो एक सच्ची न्यूज़ है। और जब ब्रॉक लेसनर रेडी होंगे एक मैच वर्क करने के लिए, तभी वो बोल देंगे विंस मैकमैन को कि उन्हें एक और मैच करनी है, और वो आ जाएंगे वापस WWE में काम करने के लिए। या फिर अगर WWE को ज़रूरत है ब्रॉक लेसनर की, तो वो बता सकते हैं ब्रॉक लेसनर को इसके बारे में, और फिर एक डील, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है बिटवीन द टू साइड्स। एक और अपडेट आई है जो है रिगार्डिंग ब्रॉक लेसनर, और वो कही है डेव मेल्सर ने। मेल्सर ने ये कहा है कि ब्रॉक लेसनर यूजुअली टाइम लेते हैं रीसाइन करने के लिए WWE के साथ, और फिलहाल WWE कोई जल्दबाजी में नहीं है ब्रॉक लेसनर को साइन करने के लिए, क्योंकि अभी के लिए WWE के पास कुछ बड़े बुकिंग प्लान्स नहीं है ब्रॉक लेसनर के लिए, या फिर एकदम बड़ा शो भी नहीं आ रहा है। और दोस्तों, टॉम कोलोह ने यह अपडेट दी है कि WWE के पास हर एक इंटेंशन है ब्रॉक लेसनर को लाने के लिए, जैसे ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक है वो ख़त्म हो जाता है, और ब्रॉक लेसनर को कहीं और जाना नहीं है, और उन्हें सिर्फ इंटरेस्ट है WWE में काम करने के लिए, क्योंकि WWE ही एक ऐसी कंपनी है जो ब्रॉक लेसनर को स्टेटस एंड मनी दे सकती है, एंड WWE है जहाँ पर इतनी बड़ी ऑडियंस हो सकती है ब्रॉक लेसनर के लिए। और दोस्तों, इवन बुकर टी ने यह कहा है कि उनके हिसाब से ब्रॉक लेसनर नहीं जा सकते AEW में, और ब्रॉक लेसनर एक ऐसे बंदे नहीं है जो WWE वाले चाहेंगे कि वो लूज हो जाए AEW को। पर रेसलिंग बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। अगर ब्रॉक लेसनर को ज़्यादा मनी ऑफर करते हैं, और अगर ब्रॉक लेसनर ने मनी के पीछे जाना चाहा, तो वो जा सकते हैं AEW में। रेसलिंग इज़ अ अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस। तो दोस्तों, ये थी सारी अपडेट द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। अगर मेरी ओपिनियन की बात करें तो ब्रॉक लेसनर और WWE एक बहुत जल्द नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, जिसके बाद होगी वापसी ब्रॉक लेसनर की,
एंड ब्रॉक लेसनर नहीं जा सकते किसी और कंपनी में, क्योंकि वो स्टेटस, वो ऑडियंस और वो लार्जर पे सिर्फ WWE दे सकती है उन्हें, एंड इवन कॉम्पिटिशन भी WWE में उन्हें मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, ब्रॉक लेसनर इज कमिंग बैक टू WWE वेरी सून एंड ब्रॉक लेसनर इज स्टिकिंग विद WWE। चलिए अब बात करते हैं मेगा अपडेट के बारे में जो जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंज से। दोस्तों, फाइनली कल पे बैक पेपर व्यू में रोमन रेंज ने जीत लिया यूनिवर्सल चैंपियनशिप, एंड दैट टू इन अ वियर्ड विलन वाले फैशन में। रोमन रेंज मैच के लास्ट मोमेंट में आए थे और उन्होंने जीत ली यूनिवर्सल चैंपियनशिप। WWE रोमन रेंज को एक तगड़ा हील बनाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अब तो वो पॉल हेमन गाय बन चुके हैं और रोमन रेंज स्मार्क्स की ठोक रहे हैं इंटरनेट पर। आप ये ट्वीट देख सकते हैं कि रोमन रेंज ने कितनी गंदी ली है इस स्मार्क की। और बात करें रोमन रेंज के हील टर्न की, तो कहा ये जा रहा था कि उनका अटायर भी चेंज हो सकता है। तो इस अटायर चेंज वाले अपडेट पर टॉम कोलेहो ने ये कहा है कि WWE ने रोमन रेंज के अटायर में थोड़ा सा चेंजेस किया है, पर रोमन रेंज स्टिल पहन रहे हैं चेस्ट प्रोटेक्टर अंडर दिस टी शर्ट, पर उस प्रोटेक्टर में थोड़ी लेस पैडिंग है और रोमन रेंज को वो पहनना ही होगा। वो इसलिए क्योंकि मेडिकल कंडीशन है रोमन रेंज को, क्योंकि अगर वो नहीं पहनते हैं रोमन रेंज तो उन्हें हर्निया हो सकता है, और इसी की वजह से रोमन रेंज बेल्ट भी पहनते हैं ताकि इन मेडिकल प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट किया जाए। दोस्तों, इट सीम्स लाइक जब रोमन रेंज आएंगे अपने अटायर में, तो वो अपना जो नॉर्मल अटायर है वही पहनकर आएंगे। शायद कलर चेंज हमें देखने मिल सकता है ड्यू टू इट्स मेडिकल प्रॉब्लम, पर अगर ये न्यूज़ झूठी होती है तो हमें शायद रोमन रेंज का एक नया लुक देखने मिल सकता है। शायद वो बेयर बॉडी ही फाइट कर सकते हैं अपने नए हील वाले कैरेक्टर में। तो हमें देखना होगा कि हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन एंड द हील कैरेक्टर वाले रोमन रेंज कैसे अपनी जर्नी करते हैं आगे एज ए यूनिवर्सल चैंपियन। पर दोस्तों, एक बात है कि रोमन रेंज की इस जर्नी में हमें काफ़ी मजा आने वाला है, तो आप सभी स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए रोमन रेंज के लिए एंड उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप रन के लिए भी। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसा लगा आज का रॉ, एंड क्या आप खुश हैं रैंडी ऑर्टन को जीतता देखकर नंबर वन कंटेंडर वाली मैच। सेकंड, आप कितना मिस कर रहे हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को, एंड थर्ड, क्या आप देखना चाहते हैं रोमन रेंज को इन अ न्यू अटायर। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।